नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विराट किसान में। मैं हूं राम सिंह। आज है 6 अक्टूबर यानी कि बारिश लगभग समाप्त होने वाली है। 15 अक्टूबर तक खींच खांच के बारिश होती है, उसके बाद आप मटर की बुआई लगभग की जाएगी। जहां पे बारिश समाप्त हो गई है वहां पे हो रही है, और जहां भी बारिश हो रही है वहां के किसान खेत तैयारी कर रहे हैं, जैसे राउंड अप मार के साफ सुथरा करके उसको तैयारी में है। जैसे बारिश उनको आपको लगे कि बारिश अब खत्म है, उसके बाद खेत की जुताई आप करिए, तो जुताई से पहले करके उसके बाद अब बुआई करेंगे। तो बुआई करने के लिए किसान भाइयों मजदूर लगाना पड़ता है, कुदाल से नाली बनाने के लिए तो काफ़ी पैसा लगता है। अगर आप सीड ड्रिल से बुआई करते हैं तो बढ़िया है, नहीं तो अगर मजदूरों की सहायता से करते हैं तो हम आपको कल्टीवेटर से एक ऐसे यंत्र को बना के अभी दिखाता हूँ, जिससे आप मजदूर कम से कम लगा के आप मटर की अच्छी तरह से बुआई सामान्य दूरी और बढ़िया से कर सकते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, हम आपको दिखाते हैं अब ये कल्टीवेटर या नौफरवा जिसे कहते हैं, वही है, उसी की मदद से हम आपको मटर बोने का यंत्र बना के आपको दिखाएंगे। तो चलिए, इसका जो आगे का चार, इसमें नौ फार होता है, तो आगे वाला जो है चार हम निकाल देंगे। चार निकालने के बाद पीछे के जो पांच हैं उन्हीं की मदद से नाली बना के हम आपको दिखाते हैं, देखते हैं कैसे निकाला जाएगा। सब आपको देखिए किसान भाइयों, इसी तरह आप आगे का जो चार फार है उसको खोल के निकाल दीजिए। चलिए, अब यहाँ पे चारों फार खोला जा रहा है, उसके बाद खोलने के बाद हम आपको उसको कैसे कितनी दूर पे नाली बनाता है, कैसे बनाता है, सब हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, अभी खोला जाएगा, उसके बाद आगे दिखाते हैं। अब देखिए भाइयों, ये आगे का जो चार हर होता है उसको हम निकाल दिए हैं। देखिए, अब पांच बचा है, देख सकते हैं आप, एक दो तीन चार पांच, पांच बचा है। और अब इसमें नीचे जो गन्ना बोने वाला यंत्र होता है उसमें पत्ती लगी होती है, उसको हम लगाएंगे किसान भाइयों। चलिए, हम आगे आपको दिखाते हैं पत्ती को कैसे है। देखिए किसान भाइयों, ये जो साधारण नौफरवा की पत्ती होती है, और ये जो है गन्ना बोने वाले यंत्र की पत्ती होती है। आप एजेंसी पे जाइए और उनसे कह दीजिए जो गन्ना बुआई का यंत्र होता है उसकी पत्ती हमको चाहिए। ये तीन नीचे लगा के आप, तीन हमारे पास है, दो और हम अभी मंगाएंगे आगे जब हमारी मटर की बुआई होगी तो आपको दिखाएंगे। अभी आप इस जुगाड़ को बना लीजिए, आप पांच पत्ती मंगाइए और पांचों में एक एक करके लगा दीजिए। देखिए, गन्ने की जो नौफरवा की होती है ये देखिए पतली होती है, इसलिए मिट्टी ज़्यादा नहीं हटाता है, समझ में नहीं आता कहाँ बीज डालें। और जो ये गन्ना वाली लगा देंगे तो सही पता चलता है कि हाँ यहीं नाली बनी हुई बढ़िया से। तो ठीक है, आगे देखिए, इसको लगाया जा रहा है। चलिए, अब हम आपको दिखाते हैं कि पांचों पत्ती कसा के कंप्लीट हो चुकी है, आप देख लीजिए वीडियो में। और आगे आपको चलिए हम इसकी
मटर की बुवाई के लिए नाली बना के आपको दिखाते हैं कि ये कितनी दूर पे बनाती है, कैसे क्या है। चलिए किसानों, तो देखिए हम चल रहे हैं, अब बना के आपको दिखाएंगे कितनी दूर पे ये बनाता है। ये देखिए किसान भाइयों, बारिश काफ़ी हुई इसलिए खेत बहुत गीला है, और हम आपको यहाँ थोड़ा सा ऊंचा स्थान है उसी पे नाली बना के दिखा रहे हैं कि इतनी दूर पे बनाता है और कैसे क्या है। देखिए नाली बनाई जा रही है, अभी हम आपको नाप के दिखाते हैं कि ये कितनी दूर पे नाली बना रहा है। चलिए तो आपको नाप के हम दिखाते हैं ये कितनी दूर पे नाली बना रहा है। ये देखिए किसान भाइयों, ये जो है 40 सेंटीमीटर पे बना रहा है नाली, जो कि मटर लगभग इतनी ही दूरी पे बोई जाती है। तो देखिए पूरा परफेक्ट इसी तरह नाली बढ़िया से बनाता है, और इसमें आप इसी से बुआई करके काफ़ी पैसा बचा सकते हैं। अगर आप मजदूर लगाते हैं तो एक एकड़ की बुआई करवाने के लिए लगभग 7-8 मजदूर लगेंगे, तभी कुदार से नाली बना पाएंगे। तो चलिए 40 सेंटीमीटर नाली बन गई है, अब आप इसमें 10 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर पे इसी के अनुपात में आप बीज की बुआई कर सकते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, अगर ये हमारा जुगाड़ आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर दूसरे किसान भाइयों को जरूर करो, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आपको तुरंत मिले। तब तक मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।